सर आपने क्या नाम बताया था इसका, जो आप बटर रोटी कहते हैं इसको? गिरदा कहते हैं। गिरवा? गिरदा। अरे वाह, स्टिफ रोटी है, मतलब हार्ड है। श्रीनगर के बहुत ही ज्यादा मशहूर कृष्णा वैष्णो ढाबा की किचन में एंटर करने का आज हमें मौका मिला है, तो आपको दिखाते हैं यहाँ का पूरा एक्शन। कश्मीरी दम आलू। वाह, इधर पीछे ना पूरी लाइन में आर्मी वाले खड़े हैं और यहाँ पे इन्होंने रोका हुआ है हमें, और आगे मुझे लग रहा है सब ठीक हो बस। ओ भाई, किधर मत जाओ यार ऐसे, क्यों जब रोका हुआ है सबने। अभी भी भाई साहब इशारा कर रहे हैं कि नहीं रोक के रखो, होपफुली सब ठीक हो यार। ये है जी नदरू यखनी, और भाई साहब ये है मंचूरियन। ओ भाई ये देखो, वाह वाह वाह, ये राजमा चावल, इनके ऊपर ये घी नजर आ रहा है देखो। भाई साहब गुड मॉर्निंग हो गई है, और क्या जबरदस्त गुड मॉर्निंग हुई है। अभी तो सनराइज भी नहीं हुआ, 2 घंटे में सनराइज होना है, और हम निकल रहे हैं जी श्रीनगर की तरफ, क्योंकि हमें बताया गया कि भाई साहब अगर श्रीनगर के लिए निकलना है तो सुबह 5 बजे निकल जाओ, उसके बाद पासिंग का माहौल बन जाता है, फिर कभी कभी क्या होता है कि गाड़ियों को एक दिन के लिए वहीं पे रोक लेते हैं। तो हम अभी फटाफट से निकलते हैं, और भाई क्या जबरदस्त लग रही है गाड़ी, ठंड हो रखी है, एकदम चिल्ड माहौल है, और ये देखो ये ओस जमी हुई है उसके ऊपर। आओ जी चलते हैं। माय गॉड, इधर से देखो पूरी मिट्टी है, तो लुधियाना जाके धुलवाएंगे। भाई साहब क्या चढ़ाई है। ओ वाहेगुरु जी, चलो जी आ गए श्रीनगर। यहाँ से है 220 किलोमीटर, उधमपुर है 38 किलोमीटर, और लेह है 677 किलोमीटर। और भाई आज बहुत सारी टनल्स और बहुत सारा बढ़िया बढ़िया रास्ता आने वाला है, तो अभी देखते जाओ, बहुत मजे आएंगे आज। अच्छा बहुत ही ब्यूटीफुल सनराइज होने वाला है, अभी फिलहाल ब्लू आवर चल रहा है, और आपको सामने पहाड़ों की चोटियां जो है वो दिख रही होंगी। बहुत बढ़िया मॉर्निंग है, और बहुत सही डिसीजन रहा कि हमने जल्दी जल्दी उठ के हम निकल गए, इसका सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा 4.5 घंटे के अंदर अंदर हम श्रीनगर पहुंच जाएंगे। ये पहाड़ देख के ना आपको भी भारत मेरी जान, जो मैंने सीरीज का नाम रखा है, उसकी जो फील है वो आ जाएगी, पूरी पूरी पेट्रियोटिक फील आएगी कि यार वाकई भारत हम सबकी जान है। भाई साहब श्रीनगर के रास्ते में हमारी पहली टनल जो है वो आ चुकी है, इसका नाम है अजीरी टनल, और ये सीधा मुझे लग रहा है तकरीबन 7-8 किलोमीटर लंबी है, और हरिया रोडवेज की गाड़ी के आगे चल रही है जी लव एक्सप्रेस। भाई साहब ये थोड़ा सा पैच आया है जहाँ पे रोड सिंगल है और थोड़ा जैसे रोड बन रही है, बट मुझे लग रहा है कि अगर 1-2 महीने में आप आओगे तो शायद ये बन ही चुकी होगी। तो भाई साहब यहाँ पे वानी टी स्टॉल करके एक दुकान है, यहाँ पे हम रुके हैं और चाय बनवा रहे हैं, और साथ में एक सरप्राइज है। और भाई गाड़ी देखो गाड़ी की हालत देखो आप, ये देखो भाई अच्छे से भर गई है, मिट्टी मिट्टी हो गई है, बट फाइनली कहीं रुकने को मौका मिला, अच्छे से स्ट्रेच कर लिया यार, स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है, पिछले 4-5 घंटे से इसे गाड़ी चला रहे थे, बट यार मजा आ गया, जो भी बोलो ड्राइव बहुत प्यारी थी, बहुत सुंदर थी, सब तरफ ही मिट्टी मिट्टी हो गई है, सोनी लग रही है, क्या बात है। ओह ठंड भी है भाई यहाँ पे, चाय और साथ में यहाँ पे ना बटर रोटी दे रहे हैं। सर आपने क्या नाम बताया था इसका, जो आप बटर रोटी कहते हैं इसको? गिरदा कहते हैं। गिरवा? गिरदा। अरे वाह, और नमकीन रहती है, मीठी होती है? नमकीन। बढ़िया भैया, वही खा रहे हैं, गिरदा ही खा रहे हैं ना?
गिरदा खाना? हमने चाय के साथ ही, सिर्फ चाय के साथ जी। और ये कौन सा शहर है, क्या क्या बनिहाल है? बनिहाल है, बनिहाल जी जी जी। तो हम अभी बनिहाल पहुंच चुके हैं और यहाँ पे वानी टी स्टॉल पे चाय पी रहे हैं, बढ़िया वाली कड़क चाय। और इसकी जो खुशबू है वो ही बता रही है कि बहुत मज़ेदार होने वाली है। बड़ी जबरदस्त पत्ती है सर आपकी, नेल्सन, एकदम जोरदार है ना? नेल्सन। ओके नेल्सन, रख रखा आपके लिए? जी जी जी, दो रखिए। आपने इसका नाम बताया था गिरदा। और ऊपर मक्खन लगा रखा है ना? ऊपर मक्खन है जी और गिरदा गरम कर रहे हैं। अरे वाह सर, कितना हो? ये 50 हो गया। 50? एक मिनट भाई साहब, चाय के साथ ये गिरदा और ये मक्खन वाली नमकीन रोटी है यार। ये ना स्टिफ रोटी है, मतलब हार्ड है। बहुत जबरदस्त तंदूरी फ्लेवर है भाई, वेरी नाइस, बहुत डिफरेंट है बट वेरी नाइस। मुझे लाजपत नगर की अफगानी रोटी याद आ रही है। बनिहाल के जो हमारे प्यारे प्यारे लोग हैं उनको गाड़ी बहुत जबरदस्त लग रही है। वो कह रहे हैं कि कहाँ से TO नंबर कौन सा है, तो मैंने कहा ये टेम्पररी नंबर है, चंडीगढ़ की गाड़ी है। भाई साहब वो ब्रेड और मक्खन और साथ में चाय, बहुत ही बढ़िया नाश्ता हो गया। और देखो कितनी प्यारी सी इनकी दुकान है यहाँ पे, वानी टी स्टॉल। एंड आराम से बस चाय बना रहे हैं। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा और भी कुछ बनाते हो आप, मैगी या कुछ? तो कह रहे नहीं, सिर्फ चाय। सही है, बहुत बढ़िया यार, जबरदस्त। और अब आगे चलते हैं, अब सीधा श्रीनगर रुकेंगे। ऐसा आर्मी वालों ने रोका है यहाँ पे, हो सकता है कोई रीजन हो। ऐसा वैसे क्यों रोक रहे हैं, क्या हो गया? पता नहीं यार क्या हुआ। यहाँ हम पहलगाम पहुंचे हैं और आर्मी वालों ने रोक लिया यहाँ पे। और आगे कुछ मुझे लग रहा है कोई, क्या हुआ? एक मिनट, इधर पीछे ना पूरी लाइन में आर्मी वाले खड़े हैं और यहाँ पे इन्होंने रोका हुआ है हमें। और आगे मुझे लग रहा है सब ठीक हो, बस शायद कोई पासिंग है भाई, किसी आर्मी वाले की मूवमेंट हो रही है। या तो अभी भी भाई साहब इशारा कर रहे हैं कि नहीं रोक के रखो, होपफुली सब ठीक हो। यार भाई साहब क्या हो गया, CRPF वाले भाई साहब हैं। ये देखो आर्मी की मूवमेंट है कोई, मुझे लग रहा है कोई बड़े ऑफिसर जो हैं आर्मी के वो जा रहे होंगे, इसलिए उन्होंने पूरा रास्ता जो है वो खाली कराया है। ओ भाई किधर मत जाओ यार, ऐसे क्यों जब रोका हुआ है सबने। भाई एकदम शांत, एकदम सन्नाटा है यहाँ पे, एकदम सुनो। ओहो क्या बात है यार, ये हमारी फौजियों की एक मूवमेंट है। जय हिंद साहब, जय हिंद। इंडियन आर्मी के भी रिएक्शंस आ रहे हैं अपनी गाड़ी को देख के। भाई बहुत सही, बहुत सही भाई साहब, क्या बात है, वाइब आ रही है पूरी। इंडियन आर्मी वालों के भी रिएक्शंस आ रहे हैं अपनी गाड़ी को देख के, क्या बात है जी, क्या बात है। वो देखो भैया देख के जा रहे थे, क्या बात है यार। आवाज सुनो ट्रक्स की, वो भी भाई देख के जा रहे थे। ऐसे ना वेट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर इंडियन आर्मी पास कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे भी खड़ा लो कोई चक्कर नहीं।
हम वेट करेंगे। आप इशारा कर रहे हैं कि हाँ चलो जी, चलो चलो चलो, थैंक यू पाजी, लव यू पाजी, थैंक यू पाजी, ध्यान रखियो पाजी, वापसी से मिलते हैं। हाँ जी हाँ, अच्छा अभी यहाँ से रुकना मेरे ख्याल से। नहीं नहीं बस, लो जी लो, 11:30 11:30 बीच में तो 10:58 हो गया था, फिर हमने जहाँ पे चाय पी और वो सब किया ना, नहीं जबरदस्त रोटी थी ना, मेरा मन करा वहाँ पहुँचते सबसे पहले रोटी खाऊं, और उसकी वजह से ETA जो 11:30 हो गया, नहीं तो हमने तो भाई साहब सुबह सुबह 11 बजे पहुँच जाना था, क्या ही मजे आ जाने थे, चेक इन भी नहीं मिलना था, कुछ भी नहीं। भाई साहब श्रीनगर में हम हैं विला 67 में, और हमारी गाड़ी जो है पहुंच चुकी है, और भाई साहब क्या ही बढ़िया फील यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। आइए आइए आप आइए सर, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी एकदम बढ़िया पार्क हो गई है, बहुत सुंदर इनका गेस्ट हाउस है यार, पीछे पहाड़ी है ना सर, हाँ जी शंकराचार्य, शंकराचार्य, अरे वाह शंकराचार्य मंदिर इधर है, जी 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 ये शंकराचार्य मंदिर है जी, और ये विला 67, आइए सर, बहुत सुंदर यार, मजेदार, इतना सुंदर और इतना बढ़िया काम जो एटमॉस्फेयर है, मैंने सोचा भी नहीं था भाई उससे ज्यादा सुंदर है ये, बहुत ही बढ़िया, और थोड़ा फॉग है तो उसकी वजह से अभी विजिबिलिटी थोड़ी कम है, बट वो देखो सामने, ये जी शंकराचार्य मंदिर, शिव जी का मंदिर, और कुछ ऐसी सी वाइब है जी जगह की, विला 67 गेस्ट हाउस, सुपर्ब। कैसे हो जी, हेलो, क्या हाल है जी, बढ़िया। तो भाई साहब कुछ इस तरीके का है हमारा रूम, दिस इज अ स्वीट, और यहाँ पे विला 67 में ये आपका लिविंग एरिया है, एसी लगा हुआ है, बट यहाँ पे फुल ठंड है भाई, इस टाइम पे तो ठंडी लग रही है पूरी, और ये बेड है लकड़ी का, सारा कुछ है भाई, एवरीथिंग इज लक्कड़ हियर, एंड वॉशरूम में अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, अभी ये स्टडी रूम है या चेंजिंग रूम है, और ये बहुत छोटा सा है बट ये लाइट, सो ये स्टडी है, और यहाँ पे स्टडी है और साथ में चेंजिंग रूम है, और भाई साहब वाइब पूरी है, क्या बात है, जबरदस्त यार, बहुत ही बढ़िया, एंड इस तरीके से एकदम सॉफ्ट बेड, एंड ये शायद ना ये कश्मीरी कोई वो क्विल्ट है, वो चीज़ है, और साथ में इन्होंने यहाँ पे इस तरफ ये विंडो है, एक ये बंद है बट हमारे वाली विंडो जो है वो खुली है भाई, और ये है अपनी हरिया की हरी डिफेंडर, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, और भैया जो है उसको स्कैन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उस पर क्या क्या लिखा है सब कुछ, भाई साहब बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है, और हमने कहवा पिया यहाँ पे, मज़े आ गए, और अब हम थोड़ा एक्सप्लोर करने निकलते हैं, भाई साहब हम जा रहे हैं डल लेक की तरफ, हमारे विला के एकदम बगल में ही है जी डल लेक, और इधर देखो सामने आपको सारी की सारी हाउस बोट्स जो है वो दिख जाएंगी, क्या बढ़िया माहौल है यार यहाँ पे, ठंड बढ़ चुकी है बट भाई ठंड के साथ साथ एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है, बहुत मज़ेदार है यार, क्या जबरदस्त, उधर चलते हैं, आ जाओ इधर देखिए, ये शिकारास खड़े हैं, पीछे हाउस बोट्स हैं भैया, वो पीछे हाउस बोट्स हैं ना बता रहे थे, तो इधर ये सारे हाउस बोट्स हैं और ये शिकारास हैं, भाई साहब फिलहाल हम जहाँ पे चल रहे हैं ये है जी श्रीनगर की डल लेक, और ये सिर्फ एक लेक नहीं है, इस पे बहुत कुछ होता है, एक मार्केट है, यहाँ पे हाउस बोट्स हैं, यहाँ पे शिकारा राइड्स हैं, और भाई जो बेस्ट पार्ट है यहाँ पे वो ये है, ये जो लेक है ये सर्दियों में जम जाती है, और इस पे आइस स्केटिंग होती है, मतलब काफ़ी सारे ऐसे अननोन फैक्ट्स हैं जो मुझे अभी पता चल रहे हैं इस लेक के बारे में, और इस पे एक मार्केट लगती है जो कि पूरा दिन आपको स्ट्रीट फूड मिलेगा इस पे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मिलेंगी, और भाई ये देखो ये सारी की सारी जो शिकारास हैं वो लाइन से पार्क्ड हैं, आप आराम से सुकून से अंदर लेट के या बैठ के इस शिकारा की राइड का
जो मजा है वो ले सकते हो। साहब यहाँ पे आते ही सबसे पहले हम आए कृष्णा वैष्णो भोजनालय पे, जहाँ के राजमा चावल भाई साहब कहते हैं कि बहुत ज्यादा फेमस है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो अभी हम ऑर्डर करने वाले हैं और इनके जो ओनर है उनसे मिलने वाले हैं। श्रीनगर के बहुत ही ज्यादा मशहूर कृष्णा वैष्णो ढाबा की किचन में एंटर करने का आज हमें मौका मिला है, तो आपको दिखाते हैं यहाँ का पूरा एक्शन। इधर ये देखो, ये तो कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं जी, और इस तरफ है ये जबरदस्त पनीर की भुर्जी, और भाई इधर ये इतनी बड़ी कढ़ाई के अंदर राजमा चावल बनाते हैं। मानव भैया हमें किचन में अंदर एक टूर देने वाले हैं, भाई साहब आपको दिखाते हैं मेन सब्जियां किधर है। राजमा, ये है जी राजमा, और ये जम्मू वाले राजमा है ना, बहुत बढ़िया यार, ये जम्मू एंड कश्मीर वाले राजमा है, एकदम जबरदस्त। ये आ गया जी शाही पनीर, और इसके ऊपर बढ़िया एकदम रोगन आ रखा है। ये जी मटर पनीर, जबरदस्त मेरे भाई, क्या बात है। ये चना मसाला, इधर से ये आ गया जी चना मसाला, आलू गोभी आ गया, आलू गोभी देखो भाई साहब मुँह में पानी आ जाएगा। इधर है जी मिक्स वेज, और इसमें मैं देखो मटर है और गोभी है और बीन्स है और मशरूम है और पनीर है। ये अपना आ गया पालक पनीर, ये जी पालक पनीर, और भाई हर सब्जी के ऊपर ना आप रोगन देखो, आपको पता चल जाएगा कितनी सब्सटेंशियल तरीके से बनाई हुई है जी। दाल फ्राई, ये देखो भाई साहब ये दाल फ्राई है यहाँ की, और सर आगे क्या है जी? ये अपना बैंगन का भरता, बैंगन का भरता भाई, श्रीनगर में पंजाब याद आ जाएगा आपको, कढ़ी का पकौड़ा, ये जी कढ़ी पकौड़ा बहुत बढ़िया, कश्मीरी दम आलू वाह, तेज पत्ता डाल के बढ़िया मसाले डाल के, दाल मखनी, ये जी दाल मखनी, इसमें काजू भी डाल रखे आपने जी सर, वाह काजू डाल के मखनी दाल बनाई है। और सर ये खीर, ओ भाई ये तो बहुत फेमस है आपकी है ना जी सर, खीर बहुत ज्यादा फेमस है, अगर आप यहाँ आते हो तो ये जरूर ट्राई करना। और सर ये ढाबा कहाँ पे है, लोकेशन क्या है अपनी? ये दुर्गानाथ मंदिर कलगेट श्रीनगर, एकदम गेट पे ही है या सामने हमारे पारस हॉस्पिटल है। अच्छा उसके जी, और टाइमिंग्स आपकी? टाइमिंग सुबह 8 से 10 बजे, 8 से लेके रात को 10 बजे तक, और ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया। और भाई साहब अभी देखो यहाँ की जो सबसे फेमस डिश है राजमा चावल, उसके लिए प्लेट्स रेडी हो रही हैं, और यहाँ पे राइस तो रेडी है, इसको अभी मिक्स किया जाएगा जी राजमा के साथ, तड़का लगता हुआ दिखाते हैं, ये देखो पूरी कढ़ाई के अंदर, ओ वाह 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 क्या बात है यार, भाई साहब कढ़ाई के अंदर बढ़िया तरीके से राजमा चावल बनाते हैं, प्लेट्स आपकी रेडी, सर नमस्कार, क्या हाल चाल है सर? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया, सबसे पहले तो ये बताइए कितना पुराना ढाबा है ये? सर 1985 में आप ही ने खोला था, और आप कहाँ से हैं? हम यही से। अच्छा, और यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है सर अपनी? राजमा राइस चलते हैं जी, खीर है, राजमा राइस, बाकी जो मर्जी खाइए जी जी जी, जो आपका दिल करता है। मैंने सुना है यहाँ पे जो नदरू यखनी है वो बड़ी फेमस है, नदरू यखनी भी है, खीर भी है, आपने राजमा चावल खाए देखिए जी 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 जी, की आजकल ऑलमोस्ट जो नॉन वेजिटेरियन है वही वेजिटेरियन करवा रहे हैं जी जी जी, तो शौकिया तौर पे भी लोग खाने आते हैं कश्मीर के, हमारे जो इतने भी है 90% लोकल है यहाँ पर। अच्छा, तो जितने भी कश्मीर के हैं शादियाँ हैं जो भी है जितना वेजिटेरियन वो मेरे यहाँ से, पहले को पतीले छतले होते थे, इसल के पतीले होते थे पहले, वक्त के साथ हाथी चेंज होती जाती है। क्या ऑर्डर कर रहे हो? मंचूरियन, राजमा चावल, हाँ ये है जी नदरू यखनी, और भाई साहब ये है मंचूरियन, और साथ में है जी ये तंदूरी रोटी, और भैया राजमा चावल दे दो, राजमा चावल जी। भाई साहब नदरू की यखनी, इसको मैंने इतना मिस किया है ना, जब मैं जम्मू गया था इतनी ज्यादा खाई थी, और इतनी जबरदस्त चीजें होती है, ओहो हो आते ही अटैक भाई साहब, ये आ गई रोटी हमारी, और वैसे नदरू की यखनी राइस के साथ खाते हैं, बट हमारे राजमा राइस अलग से है, तो नदरू यखनी, ओ भाई ये देखो, वाह वाह वाह, नदरू यखनी ट्राई करो,
मंचूरियन कैसे है? मंचूरियन ट्राई, मैं मंचूरियन ट्राई करता हूँ। सबसे पहले मैं ये बाइट, ये देखो भाई साहब, नदरू यखनी। यखनी में ना जो मसाले होते हैं एकदम सटल होते हैं, दही बेस्ड होती है। राजमा चावल भी आ गए, राजमा चावल और साथ में नदरू यखनी, भाई जन्नत। मंचूरियन कैसा है? ये मंचूरियन हम ना थोड़ा वियर्ड है, हम पराठे या रोटी के साथ मंचूरियन खाते हैं। ये देखो इसको कोफ्ता समझ के, ये भी ट्राई करना। मंचूरियन एकदम वही पंजाबी फ्लेवर। वाह, ये राजमा चावल, इनके ऊपर ये घी नजर आ रहा है, देखो घी डाल रखा है। और एक बाइट लेते हैं जी, शेयर्स कॉम्बिनेशन चेक करो, एक नदरू यखनी, एक राजमा चावल और साथ में मंचूरियन और पराठा, मंचूरियन और तंदूरी रोटी। भाई साहब ये जम्मू वाले राजमा की ना बात ही अलग है। आपको सबसे बेस्ट क्या लगा? सबसे बेस्ट क्या लगा? सबसे भी राजमा चावल ट्राई कर लिया, बट मंचूरियन मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। नदरू की है ना, जम्मू जैसा राजमा कोई नहीं बना सकता। बट आपको नदरू की यखनी कैसे लगी? मजे आ गए यार। जबरदस्त, भाई साहब वाकई कृष्णा वैष्णो ढाबा का जो खाना है ना, बहुत लोगों ने रेकमेंड किया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना क्या खास है यार, पर बहुत ही ज्यादा मजेदार है भाई। क्या जबरदस्त राजमा चावल और वो जो यखनी है ना, नेक्स्ट लेवल भाई साहब, मजे आ गए। मंचूरियन के साथ रोटी भी खाई, बहुत मजेदार थी। और कल आके यहाँ पे कुछ और ट्राई करेंगे, अभी आगे चलते हैं।